कृषि मंत्री कमल पटेल ने आरक्षण पर कहा कि सत्य की जीत हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाने के संबंध में फैसला लिया है। सरकार पहले से ही ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हमारी नीति और नियत दोनों ही साफ है। मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आने पर मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत बधाई और सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत हुई है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, मैं बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रदर्शन करता हूं। सत्य की जीत हुई है, हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी कि हम आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे। हमने प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी लेकिन कांग्रेस कोर्ट में जाकर नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, इसलिए रोक लगवाई थी। कांग्रेस के कारण चुनाव रुके थे और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आज सुनवाई हुई और हमारी जीत हुई, सत्य की जीत हुई आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, क्योंकि हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है और इसलिए ऊपर वाले ने भी साथ दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात को सुना और हमारे पक्ष में निर्णय दिया। अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होने के रास्ते खुल गए हैं। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी का और सुप्रीम कोर्ट का। धन्यवाद।